आप कहीं पहली बार गए हो तभी अचानक से आपको लगे कि यहाँ पहले भी आ चुके हो, या फिर आपको बहुत अजीब सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स महसूस होने लगे जैसे कि ये सब पहले हो चुका है। इसे डेजा वू कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डेजा वू क्या है और ऐसा क्यों होता है? आइए आज के वीडियो में इसी का जवाब जानते हैं। डेजा वू फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब है पहले से देखा हुआ। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें लगने लगता है कि कोई एक्सपीरियंस यानी घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है। आप किसी काम को कर रहे हैं या आप अभी किसी भी सिचुएशन में हैं, उसमें जो हो रहा है आपको ऐसा लगे कि ये तो पहले भी हो चुका है या ये सब तो मैंने पहले भी किया है। कुछ अजीब सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आना और ऐसा महसूस होना, इसी को डेजा वू कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 80% यानी 80% लोगों को डेजा वू महसूस होता है। अब जानते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी है मेमोरी थ्योरी। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुष्मिता का कहना है कि मेमोरी थ्योरी इसके पीछे हो सकती है और इसके मुताबिक डेजा वू तब होता है जब करंट सिचुएशन पहले हो चुकी लेकिन भुला दिए गए किसी एक्सपीरियंस से सिमिलर होती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जो करंट सिचुएशन है और पहले हो चुका कोई एक्सपीरियंस, उनमें सिमिलैरिटीज होना, इससे ऐसा लगता है कि मौजूदा घटना पहले हो चुकी है। डेजा वू इन समानताओं को समझने और मानने के लिए हमारे दिमाग की कोशिश हो सकता है। डेजा वू से जुड़ी एक और थ्योरी है। ये फीलिंग परसेप्चुअल गैप या स्प्लिट परसेप्शन के कारण भी हो सकती है। ये तब होता है जब हमारा दिमाग एक समय पर एक ही तरह के सिग्नल को दो बार प्रोसेस कर लेता है। पहली बार में हमारा कॉन्शियस माइंड इस सिग्नल पर ध्यान नहीं दे पाता। इसके तुरंत बाद दोबारा जब सिग्नल मिलता है तो डेजा वू वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हमें पहला सिग्नल याद ही नहीं रहता। अब आता है सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग थ्योरी, जो कि है मैट्रिक्स थ्योरी, जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। डेजा वू वाली फीलिंग्स की कई थ्योरीज में से सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स थ्योरी है। लोग कई बार इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं। इसे आप सिमुलेशन कह सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं जीते हैं, हम कंप्यूटर से जुड़े एक ब्रह्मांड में रहते हैं और ये दुनिया, पानी, पेड़, समुद्र, जीव, सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जब इन प्रोग्राम में ग्लिच होता है यानी कोई खराबी आती है तो हमें डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है ना काफी इंटरेस्टिंग। अगर आप मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब काफी लोग सोचते हैं कि क्या डेजा वू बीमारी का संकेत तो नहीं? तो नहीं, डेजा वू वाली फीलिंग काफी कॉमन है। ये किसी साइकोलॉजिकल इलनेस या बीमारी का संकेत बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये जल्दी जल्दी महसूस होता है, जिससे माइग्रेन या एंग्जाइटी होती है, लेकिन ये काफ़ी कॉमन है। इसके पीछे एक और थ्योरी है जो कि है ड्रीम थ्योरी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके हिसाब से हम वो सपने भी देखते हैं जो भविष्य में होने वाली स्थिति को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कई बार एक असल याद की तरह स्टोर कर लेता है। फिर ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस या अनुभव पहले हो चुका है, पर असल में हमने सपने में कुछ वैसा अनुभव किया होता है, असल में नहीं। डेजा वू की फीलिंग एकदम से आती है, पहले से इसका पता नहीं चलता, इसलिए काफी लोग इसे काफी सारी अलग चीजों के साथ जोड़ने लगते हैं, इसे काफी ज्यादा अद्भुत मानते हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि पिछले जन्म की घटी घटनाएं हमें डेजा वू में महसूस होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी आत्मा हमें कोई चेतावनी दे रही है। डेजा वू एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, इसलिए इसे दूसरे एक्सपीरियंस जैसे आवाज़ें सुनाई देना या चीज़ें दिखाई देना जो असल में नहीं है उससे ना जोड़ें। पर अगर आपको डेजा वू महसूस होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो यही था सब डेजा वू के बारे में। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा जानने को मिला होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।